अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक विद पैशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी आम का डेज़र्ट मैंगो कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे आम आ रहे हैं और ऐसे में मैंगो डेज़र्ट बनाना तो बनता ही है। तो इस गर्मी के मौसम में आप ये ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है, 500 ml, और ये फुल क्रीम दूध है। इसमें से मैं 4 से 5 टेबलस्पून अलग निकाल रही हूँ एक बोल में, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो उसको घोलने के लिए मैंने इसे अलग कर लिया है। अब बचे हुए दूध को हम 4 टेबलस्पून इसमें शक्कर डालकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून इसमें शक्कर ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। वैसे आधा लीटर में 4 टेबलस्पून सफिशिएंट है क्वांटिटी शक्कर की। तो अब इसे हमें मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल आने तक पकाना है। तो जब तक हमारा दूध खौल रहा है तब तक हम जो दूध हमने अलग किया था उसमें 3 टेबलस्पून मैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको घोल कर हमें इसका एक लम्प फ्री स्लरी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल भी इसमें गांठे ना रह जाएं, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह का हमें इसका घोल तैयार करना है। और अब इधर दूध में भी हमारे उबाल आ चुका है, तो अब हम इसको चलाते हुए इसमें जो हमने स्लरी तैयार की है गैस की फ्लेम को पहले लो कर लेंगे, तब हम इसको डालेंगे इसमें। तो फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है। अब ये कस्टर्ड की स्लरी हम इसमें डाल देंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। ये देखिए इसको डालते ही कितना ये थिकनेस इसमें आ गई है। तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे अच्छे से, जब तक ये कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन दूर ना हो जाए और अच्छे से ये गाढ़ा ना हो जाए। तो टोटल मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया था पूरा। अब ये देखिए अच्छे से पक गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको मैं यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और बीच में आप इसको हिलाते रहें ताकि इस पर पपड़ी ना पड़े। अब जब तक कस्टर्ड ठंडा होगा तब तक हम आम की प्यूरी बना लेंगे। तो 1 कप मैंने कटा हुआ आम लिया है। आप कोई भी आम ले लें जिसके ज़्यादा मोटे रेशे ना हों। तो अब इसको पीस कर हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। बिना पानी डालने हमें इसको पीसना है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनानी है। और अब इधर हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें हम जब ठंडा हो जाएगा तब ये आम की प्यूरी डाल देंगे। 1 कप है ये प्यूरी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कस्टर्ड में, पूरे कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर देना है आम जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस कस्टर्ड को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब हम इसको बोल में ही सर्व कर लेते हैं और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैंने इसको इस 2 बोल में सर्व कर लिया है इस तरह से, 2 कटोरियों में निकाल लिया और बाकी हम सर्विंग डिश में भी निकाल लेंगे। और अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। चिल्ड ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल चिल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है। तो हम ऊपर से इसमें आम डाल लेंगे। आप जो भी आपको पसंद हो, आप चाहे तो कोई और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर आम ही डाल लें इसके ऊपर, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कटे हुए काजू बादाम और पिस्ते भी डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।